फोर्थ बेडरूम हाउस डिजाइन 32 और 46, 36 फिट हाउस डिजाइन। तो स्टार्ट किया है हमने प्लान, यहाँ पर डिजाइन, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 6, दोनों यहाँ पर 2 से 3, यहाँ पर देखिए हमने स्टेप यहाँ पर रखे, हम यहाँ पर ड्राइंग करेंगे, यहाँ पर 8 फीट, 1, 2, 3, sorry, 3 and 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16। इधर स्टेयर, तो स्टेयर अप एंड डाउन, ओके। सिंपल स्टेयर, यहाँ पर स्टेयर एंड इसके नीचे से आपको रूम के अंदर आने जाने का रास्ता इधर से ही मिल जाएगा, ठीक है। हम इधर से देखिए इसका जो पार्ट है इसको हम ऐसे आउट कर देंगे, इधर से कर दिया है। उसके बाद क्या करना है हमें, इधर से इधर और इधर से इधर तक एक वॉल क्रिएट करना है, ओके। ऐसे रहेगा वॉल, ओके। इतना तक, नेक्स्ट इधर तक, इतना नेक्स्ट वॉल इधर 7 फीट 6 इंच हाइट, ऐसे करके हम इधर जो नेक्स्ट वॉल, बाकी जो वॉल है यहाँ पर ऐसे ऐड करने वाले हैं ऐसे, ओके। ऐसे ऐड करेंगे इधर भी, सॉरी इधर ऐसे वॉल आएगा 125 mm, 5 इंच वॉल, फीट इंच में 5 इंच का वॉल, 4 बेडरूम के साथ, 4 बेडरूम, 4, 1, 2, 3, 4 बेडरूम यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है, ठीक है। नेक्स्ट डोर, एक डोर यहाँ पर, सेकेंड जो डोर 7 by 3 feet, नेक्स्ट डोर 7 feet by 3 feet। तो हम इसको कलर करके इधर से, और एक डोर 7 feet by 3 feet, नेक्स्ट इधर डोर 7 feet by 3 feet। 4 बेडरूम का हाउस डिज़ाइन है यहाँ पर, 7 feet by 3 feet, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट इधर से डोर 7 feet by 3 feet और इधर से डोर 7 feet by 2 feet 6 inch। एक एक डोर इधर से हम ऐसे आउट कर लेंगे, तो रूम 3 feet by 7 feet, 3 feet wide, 7 feet height, एक एक रूम का डोर और टॉयलेट और किचन का डोर, टॉयलेट का डोर थोड़ा सा छोटा रहेगा, किचन का डोर सेम ही रहेगा। तो ऐसे डोर कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पर विंडो ऐड करेंगे, ठीक है। विंडो हमें 7 feet height तक लेना है, इसको डाउन करके 4 feet 6 inch तक लेना है। उसके बाद हमें देखिए दोनों साइड में सेम विंडो क्रिएट करना है, इसलिए हम इधर से इसको कॉपी करके हम लेकर जाएंगे इधर, ओके। नेक्स्ट हमें क्या करना है, विंडो यहाँ पर ऐसे ऐड करना है विंडो, ओके। तो दोनों जो विंडो है हम सेंटर फ्रंट से ऐसे विंडो दिखाई देगा हमें। तो चलिए उसके बाद हम इसके अंदर कुछ फर्नीचर ऐड कर देते हैं।
फाइनल टेक्सचर, फर्नीचर, इसका टॉप सब कुछ डिटेल फाइनल इसके अंदर हमने सेट किया है। देखिए इधर से रूम के अंदर जो हम जाएंगे, तो रूम के अंदर आने के बाद स्टेयर, हम स्टेयर कहाँ से रखेंगे, इधर से ऐसे जाएंगे ऊपर। इसके नीचे देखिए यहाँ पर अच्छा सा एक डाइनिंग टेबल, ओके। नेक्स्ट सोफा सेट, ओके, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, कॉमन टॉयलेट, अटैच टॉयलेट एंड बाथ, फोर बेडरूम, किचन, डाइनिंग एंड ड्राइंग एरिया। देखिए यहाँ पर ऐसे ड्राइंग एरिया है, लेफ्ट साइड में ऐसे एक बेड, राइट साइड में ऐसे बेड, इधर ऐसे बेड, कॉमन टॉयलेट एंड बाथ, अटैच टॉयलेट एंड बाथ बेड के साथ, फ्रंट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, देखिए राइट साइड, लेफ्ट साइड, बैक साइड। तो चलिए हम इसके डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। तो प्लानिंग तो यहाँ पर 36x32 का हमने किया है, 36 मेन ओपनिंग, यहाँ पर पोर्च एरिया, ओके। तो एक एक रूम पीछे से हम यहाँ पर देखिए 12 फीट बाई 10 फीट, किचन 10 फीट बाई 10 फीट, फोर 12 फीट बाई 10 फीट, नेक्स्ट 11 फीट बाई 12 फीट, नेक्स्ट बेड 11 बाई 12 फीट, बेडरूम 1, 2, 3 and 4, ओके। किचन, किचन, नेक्स्ट डाइनिंग, नेक्स्ट ड्राइंग, नेक्स्ट बाथ एंड लैट्रिन। तो यहाँ पर डाइनिंग ड्राइंग 26 फीट 9 और 9 फीट 4, बाथ 7 फीट 7, 4 फीट 5, 4 फीट 6 बाई 8 फीट, इधर भी रहेगा 8 फीट, हमें जो मेज़रमेंट लेना है इधर से, ओके। तो स्टेयर यहाँ पर टोटल लेंथ 8 फीट 10 इंच और इधर 10 फीट 4 इंच, ओके। यहाँ पर 4 फीट 2 इंच, पोर्च एरिया 4 फीट 6 बाई 11 फीट 2 इंच, 36 बाई 32, एक बार ठीक से देख लीजिए, 36 इंटू 32, टोटल 1150 स्क्वायर फीट में आपको 4 बेडरूम का डिज़ाइन मिल रहा है। तो इसका टोटल जो कॉस्ट आएगा, इसके साथ आप 1350 इंटू कर दीजिए, तो आपको 16 लाख रुपीस आएगा खर्चा। यहाँ पर आउटसाइड इनसाइड वॉल 5 इंच का वॉल है, एक बार कॉलम जो है 10 इंच का कॉलम है, 10x10 का। तो आपको प्लानिंग डिज़ाइन और इसका 3D पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।